तो ये महर्षि कुटिया है सारी, उधर तपस्वी कुटिया है, और इनके सामने आप देख रहे हो गार्डन, इतना बड़ा गार्डन मिलता है यहाँ पर सामने घूमने फिरने के लिए। ये बाहर कपड़े सुखाने के लिए ये भी मिलते हैं स्टैंड। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो ये डेली रूटीन का व्लॉग नहीं होने वाला है, जैसे मैंने टेंट कॉटेज का बनाया था वीडियो पहले, दोनों टेंट कॉटेज नए और पुराने का, वैसे ही मैं महर्षि कुटिया का वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। तो आपको पूरी महर्षि कुटिया दिखाने वाला हूँ। इसके सामने आप देख सकते हो गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। ये सारी महर्षि कुटियाएँ हैं यहाँ पर। तो अभी मैं चलता हूँ महर्षि कुटिया के अंदर लेकर आपको। और ये महर्षि कुटिया का वीडियो कैसे बना रहा हूँ मैं, कि मेरे एक फ्रेंड बने हैं, मतलब अंकल जी है, तो ये महर्षि कुटिया में रह रहे हैं MK 34 में। तो उन्होंने कहा कि वीडियो बना लो, मैंने पूछा उनसे। आंटी जी का मैंने वीडियो भी बनाया था मोटिवेट करने वाला, वो वीडियो भी आप देख लेना, मैंने डाल दिया है यूट्यूब पर। अंकल जी तो वीडियो में आना नहीं चाहते, इसलिए वो बाहर चले गए हैं, और हम अंदर आ चुके हैं महर्षि कुटिया में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू सारा। तो पहले मैं गेट लगा लेता हूँ। यहाँ से देखिए, ये भरत बैठा है, ये एक सोफ़ा दिया है इसमें, और बोर्ड बता देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड ये है। यहाँ पर दो छाते रखे हुए हैं, जो कि महर्षि कुटिया में जैसे टेंट कॉटेज में था वैसे ही है। और यहाँ पर एक खिड़की रहती है, आप देख सकते हो, दूर से दिखा देता हूँ मैं। इस दीवार पर जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर उस दीवार पर भी एक खिड़की होती है, और इसमें ऊपर दो बल्ब होते हैं। उसके बाद इसके अंदर दी होती है आपको सुविधा एक टेबल की छोटी, जिस पर आप बैठ सकते हैं। और इसमें दो बेड हैं, बहुत ही बढ़िया लकड़ी के बने हुए हैं। टेंट कॉटेज में मैंने जो देखा है उसमें आप बेड के अंदर भी सामान रख सकते हैं, इसमें नहीं होता है वैसे। और यहाँ पर एक अलमारी दे रखी है, एक छोटी, ये इसमें जालियों वाली अलमारी है ये, और इस पर आप सामान भी रख सकते हो। यहाँ पे भी इसमें एक जगह है, और इसके ऊपर देखो अंकल जी और इन्होंने इनका कुछ सामान रख रखा है। और लकड़ी की फिर आपको एक अलमारी बड़ी मिलेगी इसके अंदर, इसके अंदर कांच भी है लगा हुआ, इसके अंदर सामान रख सकते हैं, ब्लैंकेट रखी हुई है जैसे। और इधर ये मैं खोल के बता देता हूँ आपको, इधर आप आपका सामान रख सकते हो। अब मैं इसको लगा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एक टी टेबल मिल जाएगी, और इसके साथ आपको दो ग्लास, एक जग, एक पानी का जार, और पानी गर्म करने के लिए एक जार, और एक टेबल, एक टेलीफोन ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट मिल जाएंगे दो आपको, इसमें एक ट्यूबलाइट है, और इसमें दो चद्दर भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप अंदर जब आते हैं, जब सामने आपको एक एसी दिखेगा, और खिड़की भी है उसके बाहर, मतलब स्पेस दे रखा है ताकि अच्छे से हवा अंदर आ सके। तो ये सारी महर्षि कुटिया ऐसे बनी हुई है। डस्टबिन एक इसमें देते हैं, और आपको मैं बता देता हूँ बाथरूम, लकड़ी का दरवाज़ा है इसमें, और अंदर गीजर लगा हुआ है। इसमें जो साइड में स्पेस दे रखा है बाहर की तरफ, पास वाली कुटिया के, इधर वाली कुटिया के, मतलब सबके लिए हवा के लिए एक खिड़की दे रखी है, एग्जॉस्ट फैन दे रखा है ताकि स्मेल बाहर चली जाए, और यहाँ दे रखा है कांच, जो कि टेंट कॉटेज में नहीं दिया था, अब नए वाले टेंट कॉटेज में तो है। और यहाँ दे रखा है वॉश मशीन, और ये है विदेशी सीट, यहाँ पे नल दे रखा है, शावर है ऊपर, यहाँ इसमें वाइपर है, एक बाल्टी, मग्गा, और नहाने के लिए बैठने के लिए टेबल, और इसमें आपको हैंड वॉश मिलेगा, और साबुन वगैरह मिलते हैं इसमें फ्री मिलते हैं। ये महर्षि कुटिया है, और इसमें दो चद्दर भी मिलते हैं, योग करने के लिए जाते हैं तो उनको साथ में लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे रोज़ साफ़ सफाई करने के लिए कोई ना कोई आता है, डेली साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो ये है महर्षि कुटिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा महर्षि कुटिया का। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।